हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निशु जायका। मैं हूं निशु। आज हम बनाएंगे चटपटा ड्राई चना मसाला, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। इसे हम बिना बॉईल किए हुए बनाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। इसके लिए लेंगे हम 200 ग्राम चना। इसे अच्छे से धोकर रात भर भिगो कर रख देंगे। इसके बाद एक पैन गर्म करेंगे। पैन गर्म होने के बाद इसमें डालेंगे 2 से 3 बड़े चम्मच तेल। तेल गर्म होने के बाद इसमें डालें 2 से 3 हरी मिर्च, 1 चम्मच साबुत जीरा, 1 चम्मच क्रश किया हुआ लहसुन, 2 कटे हुए प्याज। सबसे पहले डालेंगे हरी मिर्च। इसके बाद इसमें डालेंगे 1 चम्मच साबुत जीरा अब इसमें जाएगा 1 चम्मच क्रश किया हुआ लहसुन। मिला लें इसे। अब इसमें जाएगा 2 कटे हुए प्याज। प्याज को हम 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे। ये ड्राई चना मसाला बहुत ही टेस्टी लगता है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। 2 मिनट हो गए, तो अब इसमें डालेंगे हम मसाले। सबसे पहले डालें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक। मिला दें इसे। अब इसमें ऐड कर लेंगे 1 चम्मच सब्जी मसाला। ये इसको बहुत ही टेस्टी बनाता है। मिक्स कर लें इसे। अब इसमें डालेंगे चना। चला दें उसे। अब हम इसे 5 मिनट ढककर कुक कर लेंगे। अच्छे से मिलाने के बाद गैस का फ्लेम लो कर लें। तो 5 मिनट हो गए हैं, तो अब हम इसमें डालेंगे 1/2 लेमन जूस और इसे फिर से हम 5 मिनट लो फ्लेम पे ढककर पकाएंगे, जिससे कि हमारे चने जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएं, पक जाएं अच्छे से। तो 5 मिनट हो गए हैं, ये हमारा चना कुक हो गया है। तो अब इसमें ऐड कर लेंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला और इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो ये हमारा चना मसाला तैयार है। तो आइए अब हम इसे एक सर्विंग प्लेट में सर्व कर लेते हैं। तो आप इसे पोहा के साथ सर्व करें या ऐसे ही खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। इसमें 2 स्लाइस प्याज का रख दें, हरी मिर्च रख दें। तो ये हमारा चटपटा ड्राई चना मसाला तैयार है। तो आप लोग ज़रूर बनाइए और एंजॉय कीजिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।